दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। मथुरा जिले में पहली बार नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अब सभासद नहीं पार्षद के रूप में और नगरपालिका अध्यक्ष नहीं बल्कि मेयर के रूप में चुनाव प्रत्याशी उतरे हैं। मेयर के रूप में मेयर के लिए अपना पूरा पसीना बहा रहे हैं। पार्षद भी और मेयर भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है चुनाव का हवाला दे रहे हैं और अपने किए गए पुराने जो सामाजिक कार्य हैं उनका भी हवाला दे रहे हैं। चुनावी गठजोड़ भी चल रही है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस समय उल्लेख करना ज्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसे उल्लेख करना, चुनाव का माहौल है। चुनाव में की बात अगर शुरू हो जाए तो कभी आप जानते हो चौपाल हो या चाय की दुकान कभी थमने का नाम नहीं लेती। लेकिन हम आपको बताएं कि हमारे साथ आज चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहली बार मथुरा में चुनाव हो रहा है, पार्षद का भी और मेयर का भी, और चुनावी माहौल इस बार हमेशा की तरह कुछ अलग है, क्या कुछ रहेगा जो अब मेयर के चुनाव जो होने वाले हैं हो रहे हैं? जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये आज़ादी के बाद पहली बार नगर निगम बना है। अभी तक नगर पालिका थी, जो नोटिफाइड हुआ है गवर्नमेंट से पहली बार हुआ है अभी हाल ही में कुछ महीने पहले। तो ये जो नगर पालिका की जगह पर दो नगर पालिकाएँ मथुरा और वृंदावन को मिलाकर नगर निगम बनाया है और ये पहली बार है कि दोनों शहरों को एक नगर निगम बना करके हमारे बीच में ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इस बार तीन तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, एक मथुरा, एक वृंदावन और एक रूरल, जो देहात है आसपास के। मैं समझता हूँ लगभग 50 से ज़्यादा गांव जुड़े हैं, तो इसमें जो राजनीतिक स्थिति है वो एक अलग है, चुनावी स्थिति जो उभर के आ रही है वो अलग है, कहीं किसी दल का कहीं किसी प्रत्याशी का असर है, एक बात। दूसरा ये है कि ये जो एक स्वरूप है जो नगर निगम का, हम पहले उस पर अगर हम चर्चा करें तो हमारा जो ये नगर निगम है इसमें तीनों हिस्से हैं, जैसे देहात, वृंदावन और मथुरा को मिला करके नगर निगम के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुल 70 वार्ड हैं, इन 70 वार्डों में एक मेयर चुना जाना है जो सीधे जनता से चुना जाएगा और हर वार्ड से एक एक पार्षद चुना जाएगा। पहले सभासद हुआ करते थे, अब उसका नाम पार्षद है, और पहले नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे दो, और उनकी जगह पर एक मेयर चुना जाएगा। अब ये रही बात, एक चीज और, पहले प्रधान हुआ करते थे जो नई पर्सी मन में नगर निगम में शामिल हुआ, प्रधान हुआ करते थे, अब वो पार्षद हुआ करते हैं, तो कुछ स्थिति भी लगती, क्योंकि जो सभासद का चुनाव लड़ते हैं पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका हो या नगर निगम हो चुनाव उनका एक सही रहता है, माहौल भी लगभग एक सही रहता है, माहौल भी एक सही रहते हैं। लेकिन देहात के जो 50 गांव हैं जो शामिल हुए हैं नगर निगम में, क्योंकि हमेशा वहां परंपरागत तरीके से प्रधान के चुनाव होते हैं और अब जो है नगर निगम का चुनाव है, तो एकदम ऐसी चीज एक विपरीत स्थिति सी उनको लगी कि ये क्या चीज है, तो क्या क्या समझते हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता इसका? नहीं, ये दरअसल हुआ क्या कि गांव के जो लोग हैं वो गांव में राजनीति करते हैं, उनमें से कोई आदमी एक प्रधान चुना जाता है। जो 50 गांव हैं वो संख्या में गांव हैं, पंचायतें शायद उसमें 3 दर्जन हैं, तो उनके कुछ मजरे हैं, कुल मिलाकर के ये स्थिति है। तो अभी तक जो लोग गांव के प्रधान चुने जाते थे, अब उनको तो एक सत्ता की भूख है, अपने पद पर आने की भूख है, तो वो पार्षद के लिए उन्होंने फार्म भर दिए, पर्चा भर दिए, अब वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो ये लोग चाहते हैं कि भाई हम भी सार्वजनिक जीवन में अपने जीवित रहें, तो वो पार्षद चुने जाएंगे और पार्षद के लिए उन्होंने भराया। अब रही बात उसकी नगर निगम के चेयरमैन की, तो चेयरमैन के लिए संयोग से इस बार जो प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर मथुरा शहर से हैं, देहा से भी नहीं है और वृंदावन से भी नहीं है कोई, तो यही तो बात आ रही है कि वृंदावन के लोगों को तो मैं वृंदावन की बात करूँगा, अगर वृंदावन जिक्र किया है, वृंदावन में सुना जा रहा है कि लोग नाराज हैं। नाराजगी का कारण ये है कि वो उन्होंने लगातार ये कहा कि वृंदावन नगर पालिका को अलग किया जाए, भले ही मथुरा को नगर निगम घोषित कर दिया जाए लेकिन नगर पालिका वृंदावन अलग होनी चाहिए, और ऐसा हुआ नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि नगर निगम होने पर वृंदावन के जो लोग हैं वो उनको यहाँ तक मथुरा तक आना पड़ेगा। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे वृद्ध हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ रह रहे हैं, बहुत सी मूलभूत समस्या होती है, इसकी शिकायत नगर पालिका में जो पास में थी बिल्कुल बीचों बीच थी वृंदावन कर देते थे, लेकिन वो सब चीजें नहीं रहेंगी, तो क्या फर्क पड़ेगा इसका चुनाव पर? जी बात सही है, इसमें वास्तविकता में वृंदावन के जो लोग हैं, वृंदावन का जो आज मतदाता है उसको बेमन से चुनाव में भाग लेना पड़ रहा है, उसकी इच्छा नहीं है वो वोट दे,
इसीलिए वहाँ एक चर्चा ये आ रही है कि वो नोटा पर बटन दबाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं, उसकी जन इच्छा समझी नहीं गई। वास्तविकता यह है, पिछली गवर्नमेंट में अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि वृंदावन का एक अलग स्वरूप है, अलग पहचान है, अलग शहर है, और ये पुरातन शहर है, ये ईसा पूर्व का शहर है, इसमें युगों से इसमें संस्कृति पली है, भगवान श्री कृष्ण की वार स्थली और क्रीड़ा स्थली है, इसकी पहचान अलग है, जो हमारे वेद और बहुत सारे पुराणों में इसका उल्लेख आता है। उसकी जो नगर पालिका है वो एक अलग थी, और वहाँ जो बॉडी थी जो चुने जाते थे वो एक चेयरमैन और सभासद चुने जाते थे। अब वर्तमान में भाजपा की सरकार, योगी सरकार ने दोनों को मिलाकर के एक कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि एक निर्धारित पॉपुलेशन होनी चाहिए नगर निगम के लिए। तो अब कहाँ से लाएंगे? अब ज़्यादा रूरल में घुसना ठीक भी नहीं था, कि पता चला कि सब इधर फरे तक चले जाएं और इधर गोवर्धन तक, इतने सारे गांवों को इकट्ठा करके नगर निगम बनाना पड़ेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए वृंदावन को शामिल करना जरूरी हो गया, को शामिल करना पड़ा। अब बात ये आती है कि ये बात ही वृंदावन के लोगों को अखर रही है, और वास्तविकता अखरनी बात जायज भी है, क्योंकि लोग तो अपनी जुबान पर यही कहेंगे मथुरा नगर निगम। कोई आदमी अगर बाहर, हम विदेश में भी अगर हैं, तो वो अगर कागजों को देखेगा तो वो यही कहेगा कि मथुरा नगर निगम। हालांकि जो नोटिफाइड हुआ है उसमें वृंदावन भी है, शब्द वृंदावन है, लेकिन जुबान पर मथुरा ही बोला जाएगा। दूसरे, मथुरा बड़ा शहर है वृंदावन से, तो मथुरा में नगर निगम का दफ्तर बना, एक एक चीज होना, अधिकारी भी बैठेंगे, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन जायज है। एक नाराजगी का कारण और है, जैसे कि आप जानते हैं कि वृंदावन के बंदर किसी आतंकवादी से कम नहीं, खासकर वृंदावन और मथुरा के लिए, क्योंकि उन बंदरों की हुड़क से, उन बंदरों की धमक से और उन बंदरों के आतंक से वृंदावन में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब ये बात निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी नगर पालिका नहीं, जो चेयरमैन रहे अभी तक किसी ने भी, यानी कि वन विभाग ने भी आज तक इन बंदरों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। प्लानिंग बहुत सारी बनी लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग बनकर रह गई। अब नगर निगम में एक चर्चा और सुनने में आई है वृंदावन से ही, कि लोग अपना मन बना रहे हैं कि हम वोट उन्हीं लोगों को देंगे जो इन बंदरों से हमें निजात दिलाएगा, हमारा जनप्रतिनिधि वही होगा। क्या लगता है कि इतना आसान है ये सब? हाँ, ये बात सही है। बंदरों की जो समस्या है वो बहुत विकराल समस्या है। हम लोग मथुरा में भी बंदरों से परेशान हैं, वृंदावन के लोग तो और भी ज़्यादा परेशान हैं। वृंदावन में तो मैं समझता हूँ जितने मथुरा में बंदर हैं उससे कई गुने ज़्यादा हैं, और छोटी सी नगरी है, हर जगह हर गली में हर छत पर बंदर ही बंदर दिखाई देंगे। उनकी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, तो अब जब जब ज़्यादा आबादी होगी तो उनको खाने पीने का सामान चाहिए, खाने पीने का सामान है तो वो चश्मा भी छीनते हैं, और भी हमारे जो जो डिस्टर्ब करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका उत्पात बढ़ता है। अब इतना ज़्यादा उत्पात है कि लोग अकेले घर से नहीं निकल सकते, बच्चे नहीं निकल सकते। अभी तक न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। इस बात को गवर्नमेंट में कई बार उठाया गया, वन विभाग ने प्लानिंग की, बंदर पकड़ने की प्लानिंग की। एक तो ये है कि कुछ सौ वर्ष पहले बंदरों को पकड़ने के लिए नगर पालिका ने एक अभियान चलाया था, उसमें कुछ समाजसेवी लोग भी थे, कुछ एनजीओ भी थे, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया। कुछ थोड़ा सा बंदर पकड़े तो सब विरोध शुरू हो गया, क्योंकि बंदर हनुमान का स्वरूप है। खैर, वो एक धार्मिक भावनाएं उनकी जो थी उस आधार पर उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा इनकी संख्या हो गई है कि उसको कंट्रोल करना लाजमी है। और यही बात है कि इससे निजात पाना वृंदावन के लोगों की खासकर पहली प्राथमिकता है, कि भाई हमारा वोट उसी को जाएगा जो इनसे निजात। लेकिन सवाल तो इसी बात का है कि वोट तो जाएगा, वोट तब जाएगा कि जब उन्हें बंदरों से निजात मिल जाएगी, और बंदरों से निजात के लिए, क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, तो अब ऐसे में कौन पहल करेगा इन बंदरों को वोटिंग से पहले पकड़ने की? नहीं, बात सही है। वो लोगों की मांग ये है कि भाई आप जीतने के बाद सबसे ज्यादा इस समस्या पर फोकस करें, और इसको सरकार पर दबाव बनाएं, वन विभाग पर दबाव बनाएं, इसके लिए प्लानिंग बनाए, स्कीम बनाए, कुछ एक तरीके से उन बंदरों को यहाँ से बाहर कहीं भेजा जाए किसी जंगल में, या उनके लिए कुछ ऐसा नसबंदी जैसा कुछ ऐसे सिस्टम है, उसके लिए भी कई बार बातें आई थी कि इनके जो वंश वृद्धि को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो एक न एक दिन तो ये करना पड़ेगा, कितना भी हम लोग जो है बंदरों के प्रति एक आसक्त हों। कुछ लोग हैं ऐसे जो बंदरों को पकड़ने से समझते हैं कि पाप हो रहा है, लेकिन नहीं, जिस तेजी के साथ में बंदर
कि वंश वृद्धि हो रही है, एक न एक दिन तो करना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। आखिरकार अब देखिए कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, कितने रोजाने तीर्थ यात्री चश्मे छीने जाते हैं, वो नोटों के बैग छीन के ले गए, बैग छीन के ले, चश्मा छीन के ले जाते हैं, तो खतरा है चश्मा पहनना, तो इतना जबरदस्त आतंक है। ये समस्या बाकी जायज है, वृंदावन के लोगों की जायज है, मथुरा में भी कई, अंदर का जो मथुरा है जो ओल्ड मथुरा कहते हैं वहाँ भी काफी बंदर है, ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए। तो ये बात तो रही वृंदावन की, लेकिन हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले जब चुनावों ने दस्तक दी तो उम्मीद ये की जा रही थी कि मथुरा का नगर निकाय निगम का चुनाव होगा वो जो है वो सीट आरक्षित नहीं होगी, वो सामान्य होगी, और इसके लिए कई नेताओं ने, कई दलों के नेताओं ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। यहां तक कि ये भी था कि अगर ये सामान्य में महिला में आरक्षित होती है तो उसके लिए भी महिला जो नेता है जो हमेशा अपने उसके लिए लगी रहती है, संगठन के लिए लगी रहती है, उन्होंने बड़ी तैयारी की कि अगर ये महिला सीट हुई तो हम भी बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ये सीट चली गई 80 में। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ मथुरा से अकेले भारतीय जनता पार्टी में 2 दर्जन से अधिक नेता थे टिकट लेने के लिए, और ये तैयारी कर रहे थे कि हम टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसके पीछे गुणा भाग भी था, मैं आपको बता दूं, बीच में डोकलाम समझ आऊंगा आपसे, उसमें गुणा भाग भी ये था कि ब्राह्मणों की संख्या, वैश्यों की संख्या ली जा रही थी, जाट भाइयों की संख्या ली जा रही थी, और अदर ठाकुर हैं उनकी भी संख्या का आकलन किया जाए तो सीट का जो इंडिकेशन था वो सामान्य के लिए था। लेकिन इतना सब, इतना मतलब होने के बावजूद भी ब्राह्मण की अगर बात करें तो करीब 80 से 1 लाख तक की संख्या में, अगर वैश्य वर्ग की बात करें तो वो भी 70-80 का आंकड़ा छूते हैं, जाट भाइयों की बात करें तो भी 60-70 का आंकड़ा छूते हैं, ठाकुर भाइयों की बात करें तो वो भी इतना आंकड़ा छूते हैं, तो इस नाते क्या ये सामान्य सीट नहीं होती होनी थी? वैसे देखा जाए आंकड़े के अनुसार, आंकड़े के अनुसार मेरा तो कहना यह है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जब से लागू की गई उसके बाद, और उसके बाद जब आरक्षण की सिस्टम शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि 3 बार से ये सीट रिजर्व नहीं हुई थी। रिजर्व का मतलब सिर्फ एक बार महिला के लिए जरूर रिजर्व हुई, लेकिन OBC और SC के लिए नहीं हुई थी। तो जहाँ तक मेरा अपना मानना है, फैजाबाद और अयोध्या को मिला करके एक नगर निगम बना, और मथुरा वृंदावन को मिला के नगर निगम बना, दोनों नगर निगमों को जो आरक्षण का जो चक्र घूमता है उसमें सबसे ऊपर रखा, सबसे ऊपर SC और SC महिला होती है। तो जो मेरा एक मोटा मोटा तौर पर मानना है शायद वो इस वजह से हुआ है। वैसे आरोप तो हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं श्रीकांत शर्मा जी उन पर है कि उन्होंने करा दिया, जो सवर्ण लोग हैं जो ये चर्चाओं में कहा जा रहा है, चर्चा में कहा जा रहा है, उन पर आरोप लग रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वास्तविकता में लोगों को अखंडने वाली बात है कि 5 वर्ष तक मेहनत की, जनसेवा की, जगह जगह अपने जो है अपनी इमेज बनाई, अपना काम किए, जनता से, जनता के बीच में रह करके सरकार से काम कराए, तो कभी किसी तरीके से भाई हम मेयर बन जाए, तो मेयर बनने के लिए लाइन में लगे हुए थे और हो गई रिजर्व होने से उनके सबके अरमानों को पानी फिर गया। और खासकर इसमें वृंदावन के लोगों को तो बड़े दोहरी मार पड़ी, वो मेयर के लिए भी इसलिए नहीं ज़्यादा उन्होंने जो है नामांकन किया और वो चुनाव लड़ने के उत्सुक हुए, क्योंकि वृंदावन बहुत छोटी जगह है, वहाँ के लोग तो वैसे ही मारे गए। दूसरे मथुरा में जो हाई कास्ट के जो लोग हैं वो वैसे अपना जो है मन महसूस करेंगे, तो अभी स्थितियाँ ये हैं, अब रिजर्वेशन में तो ऐसा ही होता है। चलिए तो आरक्षण की बात है, लेकिन आप बात करेंगे चुनावी रणनीति की, क्या लगता है आपको सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो और बसपा हो या कांग्रेस, सभी के सभी ताल ठोक रहे चुनाव मैदान में और सभी का ये दावा है कि हम ही जीतेंगे, क्या लग रहा है आपको? मथुरा नगर निगम के चुनाव में मैं यहाँ 8 प्रत्याशी मैदान में है जी, और 8 में 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दलीय हैं, जिनमें आप पार्टी का भी है, कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा। मेन जो हम एक तौर पर एक ये समझ सकते हैं जो मुकाबला है वो चारों दलों में है। बिल्कुल। और 4 में से अगर हम पहले और दूसरे नंबर पर अगर देखें तो कांग्रेस और भाजपा में परंपरागत मुकाबला होता रहा है यहाँ पर नगर पालिका में शुरू से रहा है, और कोई तीसरा दल नहीं आया। तो अब की बार भी यही मान के चला जाए कि कांग्रेस और भाजपा में ही मुकाबला है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार की छवि पर भी बहुत सारा वोट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटा चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के बाद छोटा चुनाव है, बहुत कुछ प्रत्याशी की छवि, उसके व्यक्तित्व, उसकी पहचान, उसके कार्य और उसकी सामाजिक जो स्थिति है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।
अब हाई कास्ट के जो, क्योंकि ये मथुरा और वृंदावन ये वैश्य ब्राह्मणों की नगरी है, ज्यादातर है वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, दूसरी और भी कास्ट हैं, ठाकुर हैं, जाट हैं, और लेकिन वो तीसरे चौथे पांचवे नंबर पे आते हैं। खैर, तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये यहाँ जो जो जिस तरीके से एक जातीय समीकरण है उस हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर है कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी, और इन ये दोनों दल हर हाल में कोशिश कर रहा है कि हम हर जाति में अपनी सेंध लगाएं, पकड़ बनाएं। अब स्थितियां अगर राजनीतिक विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो सीटें हैं, अकेले मथुरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो शहरी सीटें हैं, शहरी चुनाव होते हैं, वो बहुत कुछ भाजपा वहाँ केंद्र बिंदु बन के रहती है, या तो पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर, क्योंकि शहर का जो वोटर है वो प्रो भाजपा कहलाता है, और होता भी है या मथुरा में भी है। अब मथुरा की अगर पिछली स्थिति देखें, भाई ठीक है, या मथुरा में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है और खासकर शहर में, तो यहाँ श्याम सुंदर उपाध्याय भी टूके से जीत गई भाजपा वो कांग्रेस से, तो स्थिति ये भी है कि कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। अब यहाँ कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो मोहन सिंह जो रिटायर्ड लेबर कमिश्नर रह चुके हैं उनको उतारा है, और वो जाटा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मुकेश आर्य को उतारा है, वो वाल्मीकि हैं। तो एक वर्ग जो हाई कास्ट का जो एक वर्ग है वो इन सब चीजों पर अध्ययन कर रहा है कि वाल्मीकि ज्यादा श्रेष्ठ है कि जाटव ज्यादा श्रेष्ठ है। कुछ लोग कंपेरिजन करना शुरू कर दिया, एक बार। दूसरे कुछ लोगों की भावनाएं नहीं होगी कि हम वाल्मीकि को वोट दें, लेकिन वो पार्टी की मजबूरी होगी, वो देंगे, उनको देना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह वोट नहीं दे सकते। इसी बीच तो ये नोटा क्यों समाजवादी पार्टी में भी तो अपना वाल्मीकि प्रत्याशी उसकी चर्चा कर रहे, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, वो भी बहुत सज्जन हैं, श्याम मुरारी चौहान नाम है, और वो काफी सोशल उनका दायरा है, और वो वाल्मीकि समाज से हैं। और समाजवादी पार्टी आप जानते हैं कि यहाँ मुस्लिम बहुतायत में वोट है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपनी सरकार के समय काफ़ी अपना वजूद कायम किया, अपना वोट बैंक तैयार किया, पूरा वोट बैंक उनके साथ है। अब रही बात बसपा से हमारे जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं गोवर्धन सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, और मायावती बहन जी का आदेश है कि इस बार हम चुनाव चिन्ह यानी हाथी पर चुनाव लड़ रहे, तो वो हाथी से टिकट लेकर के आए हैं, उनको पूरी पार्टी उनके साथ है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बसपा का जनाधार घटा है और उनका अस्तित्व पर एक सवाल उठ गया, तो उनको अपनी पकड़ जनता में बनाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि चुनाव जीतना। अब जीतना कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता बताएगी, अभी परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि अभी एक सप्ताह है चुनाव, अब दिन रोज प्रतिदिन प्रति घंटे समीकरण बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी और अपना एक मूड बनाएंगे कि हमको किस प्रत्याशी को वोट देना है। जहाँ तक मतदाता की बात है, वो मतदाता दो एंगल से सोचता है, कुछ तो ऐसे हैं जो पार्टी को वोट देगा जो प्रत्याशी उसके लिए सेकेंडरी चीज़ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रत्याशी को वोट देंगे उनके लिए पार्टी सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन खासकर वृंदावन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वृंदावन में मैंने एक महंत जी हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं हमेशा से लाइक करता हूँ, मेरा पूरा परिवार उन्हीं को वोट देता रहा है, और इस बार भी हमारी इच्छा ये थी लेकिन हम कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, तो हमने कहा क्या करोगे, उन्होंने नोटा है जिसमें हम नोटा का सोटा लगाएंगे, नोटा और सोटा, तो उनकी विचार थी। मैं पार्टी का कोई ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना बात माननी भी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है शहरी क्षेत्र में वो नंबर वन है, वो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जबरदस्त जनाधार है, उसको तोड़ना बहुत टेढ़ी घीर होगा और पार्टियों के लिए। ये आप ये तो आपने बात कही, लेकिन बात ये भी तो है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो घमासान हुआ उसके बाद भीतरघात की संभावना नहीं बढ़ रही। हाँ बिल्कुल, भीतरघात की जो संभावना है, देखिए इस बार एक दूसरा परिदृश्य पैदा हो गया, ये जो पार्षद के और मेयर के प्रत्याशी अलग अलग जा रहे हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, जैसे अगर मेयर का एक जगह पर गया तो पार्षद को साथ नहीं, पार्षद अपना चल रहा है, ऐसा ही वृंदावन में हो रहा है, ऐसा ही कांग्रेस में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं लगभग सभी पार्टियों में ऐसा हुआ है, वो अपने अपने अगर पार्षद है कहीं, पार्षद का कैंडिडेट है तो किसी मोहल्ले में गया तो अपने लिए वोट मांग रहा है,
वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए नहीं मांग रहा, ऐसा ही कांग्रेस में है। तो ये कहीं कहीं तो थोड़ा सा है, इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि सब जगह स्थितियाँ ये हो गई हैं कि अपनी पार्टी के लोग उसको विरोध कर रहे हैं और कुछ बागी हो गए हैं, एक दूसरे के फोटो खड़े हो गए बागी हो गए, तो वो अपने लिए वोट मांगेंगे दूसरे के लिए, वो सीधे सीधे से मतदाता को एक ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हैं कि मैं खड़ा हूँ भाई, अब मुझे वोट दो और बाकी का मैं कुछ नहीं कह रहा। तो ये स्थिति है, ये स्थिति खासकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी विषम है। इसलिए विषम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बागी, क्योंकि उसमें लाइन ज्यादा थी। नहीं नहीं, बात और थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम और जारी किया था जो उनका अपना था कि जिसने पहले सभा चक्कर से चुनाव लड़ चुका है उसको दोबारा या उसके किसी रिश्तेदार को पार्टी की तरफ टिकट नहीं दी जाएगी, कुछ ये बात भी कुछ असर भी डालती इस पर। हाँ हाँ, ये उन्होंने दिल्ली में अभी हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें ये पैटर्न अपनाया गया था कि जो वर्तमान सभासद हैं उनको टिकट न दिया जाए। कोई बात नहीं आई, क्योंकि ये रणनीतिकार जो भाजपा के हैं उन्होंने ये कहा कि हम स्वच्छ छवि के लोगों को और नए लोगों को आगे बढ़ाएंगे, चलो ठीक है। तो अब इसमें विद्रोह की स्थिति तो बनी थी, और हमने देखा कि यहाँ कृष्णा नगर में राजवीर सिंह हैं, वो मेरे ख्याल में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और वो टिकट मांग रहे थे, अब उनसे मना कर दिया गया, तो विद्रोह उनके में खड़ा हो गए। कई हैं, वार्ड नंबर 15 है सदर में, वहाँ भवानी शंकर सैनी मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया तो वो विद्रोह के रूप में खड़े हुए। मैं समझता हूँ ज़्यादातर वार्डों में एक न एक उनको विद्रोही है, कोई कमजोर स्थिति में कोई ऐसा है कि जो विद्रोही नंबर वन। कुल मिला के कहा जाए कि सभी पार्टियों में इस तरह भीतरघात होने की आशंकाएं हमेशा प्रबल सी रहती हैं, क्योंकि टिकट ना मिलने से असंतुष्ट लोग हैं वो या तो अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं या वो खुद निर्दलीय के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी निकल कर आएगी, अभी आगे काफी दिन बचे हैं, कुछ दिन बाकी और हैं अभी चुनाव प्रचार के, और आप जानते हैं कि चुनाव है ये इसका नाम, चाहे स्थितियां 12 दिन में नहीं 12 घंटे में बदल जाती हैं, लेकिन आगे चुनावी क्या स्थिति रहेगी उस पर और भी हम चर्चा परचर्चा करते रहेंगे आपसे। लेकिन अभी 10 दिन है, क्योंकि आज 16 तारीख है, 26 को वोट पड़ेगा, 10 दिन में तो बहुत स्थितियां बदलेंगी। जो प्रत्याशी अपने को नंबर वन मान के चल रहे हों वो हो सकता है कि नंबर दो पे आ जाए, नंबर तीन पे आ जाए। खैर, अभी तो लोग अभी तो चुनावी दौर की शुरुआत है, चुनाव उठा है। दूसरे लोगों ने अभी ये मानसिकता नहीं बनाई है, एक सोच नहीं बनाई है कि हमको किसको देना है। जो कट्टर समर्थक है उन्होंने तो पहले से ही है, जो टिकट नॉमिनेशन से पहले से तय कर लिया कि भाई ये हमारा आदमी हमको देना है। लेकिन एक हर वार्ड में और हर समाज में हर तबके में एक ऐसा बड़ा वर्ग होता है जिसका कोई पहले से कोई लगाव नहीं होता, वो बाद में निर्णय लेता है एंड टाइम, और इसमें पार्टियां आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे फील्ड में जब दौड़ शुरू होती है तो लास्ट की जो एक मिनट रह जाती है उसमें दौड़ लगाने वाला जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही स्थिति बदलेगी। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी है, कौन पार्टी आगे है, कौन पार्टी पीछे है। अभी तो जहाँ तक मथुरा शहर की बात है तो मैंने आपको बताया कांग्रेस भाजपा सपा बसपा चार ही मेन मुकाबले में, जिनका आंखों के सामने हमारा प्रचार दिखता है, जिनके होर्डिंग्स जिनके बैनर दिखते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा कि ये जो मथुरा नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका जो मेयर चुनाव जीत करके आएगा वो बहुत पावरफुल होगा, मैं समझता हूँ एक राज्य मंत्री के एक दर्जे के बराबर उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बजट भी बहुत कुछ आएगा। वैसे भी हमारे जो मंत्री जी हैं, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत जी घोषणा कर चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी पैसा आएगा आपको। तो कैबिनेट में एक और लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, दो दो मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा आगरा जैसे महानगर में बड़ा जगह है, उसमें एक भी मंत्री नहीं है, हमारे जैसे दो मंत्री हैं तो कुछ तो खत्म हो जाए। दो मंत्री उसमें भी केंद्र के पार्टी के प्रवक्ता रहे, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो भी बहुत पावरफुल हैं, उनकी बात भी टलती नहीं है। केंद्र से भी बहुत सारी योजना ला रही हैं पर्यटन से संबंधित, और वो तो विकास तो होगा, पैसा आएगा, तो इसलिए भी यहाँ पर ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब उसका एक नज़रिया ये भी है कि सभासद वगैरह अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं भाई, ज़्यादा हम खर्चा करें, ज़्यादा जीत करके कैसे भी पहुँचे, माल ज़्यादा मिले वो चर्चा होती है गलियों के नुक्कड़ पे, चाय की और पान की दुकानों पे चर्चा होती है, भैया अब की बार तो माल ज्यादा मिलेगा, जाए वाले समय लगे पड़े, तो ये चर्चा का दौर है, हमेशा चलता रहेगा। चुनावी
चर्चा है इसको लिए तो आप एक घंटे दो घंटे हम तो इस अपने मंच के माध्यम से मंच न्यूज के चैनल के माध्यम से यही आम मतदाताओं से कहेंगे कि भाई अपने वार्ड में योग और कर्मठ और ऐसे व्यक्ति को आप पार्षद बनाएं जो कुछ आपके लिए कर सके। बिल्कुल एक बार दूसरे मेयर का ऐसा प्रत्याशी आप चुने जो जनता की भलाई करे, इस मथुरा शहर को चमकाए इसमें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ रहेगा। ये एक स्थानीय सरकार है, एक सरकार लखनऊ में, एक सरकार दिल्ली में, तीसरी स्टेट की सरकार ये है। इसमें इतना बड़ा बजट आता है सरकार से, अपने संसाधन से पैसा होता है, सड़क पानी बिजली से लेकर के यमुना की जो समस्या है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो तो आप देखिए कि मैं कई बार तीर्थ स्थलों पर गया हूँ, हरिद्वार ही गया बगल में, उज्जैन गया, वहाँ बहुत चौड़ी बहुत सुंदर सफाई एवं सब कुछ है, बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा मन को कष्ट होता है। हम हालांकि विदेश की तुलना नहीं कर सकते, विदेश में तो मैंने देखा है कई देशों में जा करके कि वहाँ तो जबरदस्त सफाई है, हालांकि मोदी जी लगे हुए हैं कि यहाँ बिल्कुल स्वच्छ और पूरी तरीके से सफाई हो, सफाई भी है और भी समस्याएं हैं उनको दूर करना है, बहुत बड़ी चुनौती है। मेयर एक बहुत बड़ी पोस्ट है, उसके लिए अच्छा व्यक्ति चुना जाना चाहिए, और अब तो स्थितियां धीरे धीरे सामने आती जाएगी कि कौन चुनाएगी जनता। खैर ये तो शहर की सरकार बनने जा रही है, लेकिन जनता भी कहीं ऐसा नहीं कि हमेशा अपनी बात के तराजू में, अपनी आंखों के तराजू में, अपने दिल के तराजू में हर प्रत्याशी को तोल तोल कर देख रही है, और भी वक्त बहुत कुछ है, देखना है किसमें कितना दम होगा और क्या निकलेगा इसका परिणाम। तो मंच न्यूज पर आज हम चर्चा कर रहे थे चंद्र प्रसाद शेखर वाजपेयी जी के साथ, जो है बहुत अच्छा लगा, और बहुत आगे भी ये चर्चा हमेशा जारी रहेंगी, और क्या कुछ स्थितियां निकल कर आएंगी हम लगातार आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए मंच न्यूज़।